हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। नमस्ते कार, और आज हम खड़े हैं इंडियन एसयूवी के सामने जिसका नाम है एमजी हेक्टर। 2019 में लॉन्च हुई थी और ये 2020 का फर्स्ट जनरेशन फेसलिफ्ट वेरिएंट आप देख रहे हैं। पेट्रोल और डीजल में आती है, रेंज शुरू होती है ऑन रोड 15 लाख रुपीज से और टॉप मॉडल की कीमत है 22 लाख रुपीज। और ये टॉप मॉडल शार्प आप देख रहे हैं। हेक्टर का फ्रंट और टेल डिज़ाइन F-35 एयरक्राफ्ट से इंस्पायर्ड है। ये हाइब्रिड मॉडल है जिसमें इंजन, आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ई बूस्ट और एडिशनल 48 वोल्ट की बैटरी मिलेगी। चाइनीज कार बाओजुन 530 पर बेस्ड है हेक्टर, जिसको SAIC, जनरल मोटर्स और वुलिंग मोटर्स ने जॉइंट वेंचर में बनाया है। 75% हेक्टर इंडिया में ही डेवलप हुई है, इसलिए ये एक इंडियन SUV है। शेवरोले कैप्टिवा और वुलिंग अल्मास के नाम से भी बिकती है हेक्टर कुछ कंट्रीज में। इसके 6 और 7 सीटर वेरिएंट्स भी अवेलेबल हैं इंडिया में। 5 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मॉरिस गैरेजेस देती है हेक्टर पे। और ये हैं LED ऑटो हेडलैम्प कॉर्नरिंग LED फॉग लैम्प के साथ। आगे पीछे स्किड प्लेट्स हैं और ये नई थर्मोप्रेस्ड क्रोम ग्रिल। और ये मॉरिस गैरेजेस MG का लोगो, फ्रंट कैमरा और ये फ्लोटिंग लाइट टर्न इंडिकेटर्स हैं LED DRL के साथ। रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, सनरूफ है, रूफ रेल्स हैं, शार्क फिन एंटेना है, क्रोम फिनिश, पावर एडजस्टेबल, पावर फोल्डेबल, हीटेड आउटसाइड मिरर्स हैं, टर्न इंडिकेटर और कैमरा के साथ। क्रोम साइड बॉडी मोल्डिंग है, 4.6 मीटर लेंथ है, 1.7 मीटर हाइट है, 192 mm ग्राउंड क्लीयरेंस है और लगभग 1700 kg कर्व वेट है हेक्टर का। इंडिया, चाइना और इंडोनेशिया में असेंबली होती है हेक्टर की अलग अलग ब्रांड नेम से। रोल फॉर्म ट्यूबुलर स्टील डोर बीम्स हैं, थिक डोर पैनल्स हैं, हॉट स्टैम्ड बी पिलर है। और ये हैं 18 इंच के डुअल टोन मशीन अलॉय व्हील, 17 इंच के सिल्वर अलॉयज और स्टील व्हील्स का भी ऑप्शन है। आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। मॉरिस गैरेजेस का लोगो, रियर डिस्क ब्रेक। ये व्हाइट कलर आप देख रहे हैं, रेड, ब्लू, सिल्वर और ब्लैक कलर का भी ऑप्शन है। डुअल टोन में सिर्फ ब्लैक रूफ कलर का ऑप्शन आएगा। आगे स्टेबलाइजर बार के साथ मैकपर्सन स्ट्रट सस्पेंशन मिलेंगे और पीछे सेमी इंडिपेंडेंट हेलिकल स्प्रिंग टॉर्जियन बीम सस्पेंशन मिलेंगे। हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज हुआ है बॉडी में। नई टेल गेट गार्निश है। आई स्मार्ट इंटरनेट कार फीचर्स हैं जैसे गाना वॉइस सर्च, क्रिटिकल टायर प्रेशर वॉइस अलर्ट, इंजन स्टार्ट अलार्म, लो बैटरी अलर्ट, स्पीड लिमिट, रिमोट AC ऑन ऑफ, रिमोट कार लॉक अनलॉक, रिमोट सनरूफ ओपन क्लोज, रिमोट कार लाइट फ्लैशिंग हॉन्किंग, फाइंड माई कार, व्हीकल स्टेटस, जियो फेंस और ओवर द एयर अपडेट्स। और ये LED फॉग लाइट, रियर सेंसर्स हैं, रियर स्किड प्लेट और ये एग्जॉस्ट टेल पाइप और ये स्पेयर व्हील। 5 साल रोड साइड असिस्टेंस और 5 लेबर फ्री सर्विसेज मिलेंगी हेक्टर के साथ। हेक्टर की बैजिंग, MG का लोगो, रियर वाइपर, स्पॉइलर और ये हाई माउंट स्टॉप लैंप, हाइब्रिड की बैजिंग और ये है LED टेल लैंप। सेफ्टी के अंदर 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल होल्ड कंट्रोल, 360 अराउंड व्यू कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर्स, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, ISO फिक्स चाइल्ड सीट माउंटिंग, स्पीड वार्निंग, रिमोट कीलेस एंट्री, 3-point सीट बेल्ट और आगे की सीट बेल्ट प्री टेंशनर और लोड लिमिटर के साथ मिलेंगी। MG कहती है कि हेक्टर पेट्रोल की कॉस्ट ऑफ ओनरशिप
0.45 रुपीस पर किलोमीटर है और हेक्टर डीजल की 0.49 रुपीस पर किलोमीटर पड़ेगी। कई एक्सेसरीज भी हेक्टर के लिए अवेलेबल हैं, जैसे क्रोम गार्निश, कार कवर, मैट्स, डोर वाइजर, हुड स्कूप, साइड स्कूप, परफ्यूम, टिश्यू बॉक्स, कुशन, ट्रैश बिन, लैपटॉप ट्रे, टैबलेट होल्डर, सीट कवर, डैश कैमरा, रूफ कैरियर, साइड स्टेप, टायर इन्फ्लेटर, सनशेड, गियर लॉक, बॉडी ग्राफिक्स और स्पॉइलर। ये फर्स्ट जनरेशन हेक्टर का फेसलिफ्ट मॉडल है। F-35 एयरक्राफ्ट से इंस्पायर्ड है फ्रंट और रियर डिजाइन। नॉन हाइब्रिड मॉडल भी आता है पेट्रोल इंजन के साथ। और ये रियर कैमरा, और यहां आपको मिलेगी 587 लीटर की बूट स्पेस। बूट कवर, काफी स्पेस है। यहाँ लाइट दी गई है। और ये टूल किट, यहाँ बैटरी है। काफी ज्यादा बूट स्पेस मिलेगी हेक्टर में। पीछे भी स्पीकर हैं, यहाँ पर भी स्पीकर, और वन टच से ही क्लोज हो जाएगा बूट। आइए पीछे का पैसेंजर साइड डोर खोलकर देखते हैं। 8 स्पीकर्स का इन्फिनिटी साउंड सिस्टम मिलेगा हेक्टर में, सबवूफर और एम्पलीफायर के साथ। लेदर फिनिश, थोड़ी स्पेस, पावर विंडो का बटन, इन्फिनिटी के स्पीकर, नीचे काफी स्पेस, लाइट दी गई है, मेटालिक स्कफ प्लेट, और ये है लेदर अपॉल्स्ट्री। फैब्रिक अपॉल्स्ट्री का भी ऑप्शन है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं। एट कलर्स में एम्बिएंट लाइटिंग है। और ये आर्मरेस्ट पे 2 ग्लास होल्डर, सीट के पीछे पॉकेट्स मिलेंगी, नीचे काफी स्पेस दी गई है, 2 एसी वेंट हैं, और ये सनरूफ। और ऐसे दिखता है डैशबोर्ड, डुअल टोन डैशबोर्ड है, 3 स्पोक स्टीयरिंग है, और ये एलईडी रीडिंग लाइट। यूएसबी पोर्ट दिया गया है चार्जिंग के लिए। फ्लैट फोल्डेबल 60-40 स्प्लिट सेकेंड रो सीट्स हैं रिक्लाइनिंग के साथ। आइए अब ड्राइवर साइड डोर खोलकर देखते हैं। यहाँ पर भी नीचे स्पीकर है, लाइट दी गई है डोर पे, डोर लॉक अनलॉक करने का बटन है, पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं,
बॉटल होल्डर, काफ़ी स्पेस, इन्फिनिटी के स्पीकर्स, ट्विटर, स्कफ प्लेट, सिक्स वे पावर एडजस्टेबल और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हाइब्रिड वेरिएंट को छोड़कर फोर वे पावर एडजस्टेबल पैसेंजर सीट मिलेगी, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स हैं और ये टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन, पेडल्स, बोनेट और फ्यूल लिड खोलने के लीवर, थोड़ी स्पेस और ये ORVM के कंट्रोल, लाइट के कंट्रोल, बूट खोलने का बटन, और यहाँ से भरेंगे पेट्रोल। टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग है, आर्मरेस्ट के अंदर काफ़ी स्पेस है, 12 वोल्ट का पोर्ट है, ऑटोमेटिक मॉडल में इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आएगा और ये दो ग्लास होल्डर्स हैं शानदार लाइटिंग के साथ, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, कैमरा और पार्क असिस्ट का बटन, और ये है 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन। पेट्रोल में डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन है, डीजल में 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन ही सिर्फ आएगा, और ये वायरलेस चार्जर, यहाँ USB पोर्ट भी दिया गया है। और यहाँ साइड में ड्राइवर सीट वेंटिलेशन का बटन है, और ये इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स, वॉल्यूम के बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, हैजार्ड लाइट का बटन, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और ये है 10.3 इंच का इंफोटेनमेंट, सपोर्ट करेगा एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, USB, FM, ब्लूटूथ, आई कॉल, इमरजेंसी कॉल, फाइंड माई कार, स्मार्ट ड्राइव इन्फॉर्मेशन, प्री लोडेड एंटरटेनमेंट, गाना ऐप, ऑनलाइन नेविगेशन, लाइव ट्रैफिक के साथ, वाईफाई कनेक्टिविटी, एक्यू वेदर, वॉइस अलर्ट, 35+ इंग्लिश वॉइस कमांड्स, चिट चैट वॉइस इंटरेक्शन और 100+ वॉइस कमांड, ऑटोमेटिक AC है, और ये गाना ऐप, और ये सेटिंग्स, वाईफाई, ब्लूटूथ, इक्वलाइजर, वॉल्यूम सेटिंग्स, डिस्प्ले सेटिंग्स, डेट टाइम सेटिंग्स, व्हीकल सेटिंग, कार लाइट, यूजर सेटिंग, मूड लाइटिंग, और ये स्किन सेटिंग, डायनामिक ग्रे, क्लासिक ब्लू, और ये टॉम टॉम का नेविगेशन, साइड में दो AC वेंट्स हैं, और ये रेडियो, टायर प्रेशर, यूजर मैनुअल, एक्टिवेशन, अपग्रेड, फैक्ट्री रीसेट, USB स्टोरेज, और ये कैमरा, 360 डिग्री अराउंड व्यू मॉनिटर है, AC भी आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं, और ये शानदार डैशबोर्ड के फिनिश,
लेदर फिनिश है डैशबोर्ड पे, कूल ग्लो बॉक्स और ये पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ, ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर, सनग्लास होल्डर, दो एलईडी रीडिंग लाइट्स हैं। और ये है डुअल पेन पैनोरामिक सनरूफ। और ये ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ, और ये है लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और क्रूज कंट्रोल, ये फोन वॉल्यूम इंफोटेनमेंट और वॉइस कंट्रोल, लाइट के कंट्रोल्स हैं, ये वाइपर के कंट्रोल्स, और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 7 इंच के मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के साथ। निकाल लेते हैं तो ये दिखाएगा नेविगेशन इनपुट, टायर प्रेशर, म्यूजिक, कॉलिंग, व्हीकल स्पीड, ड्राइव टाइम, फैटिक रिमाइंडर, ट्रिप मीटर, रेंज और कई इंफॉर्मेशन। बीच में मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है, ड्राइविंग टाइम, रेंज, टायर प्रेशर, बैटरी लेवल, एवरेज। फोन नेविगेशन, फटीग रिमाइंडर, आइए बोनेट खोलते हैं और देखते हैं पेट्रोल इंजन। तो ये है 1500 सीसी इनलाइन फोर सिलेंडर टर्बोचार्ज इंटरकूल्ड डेवू एसटेक 3 एलजेओ पेट्रोल इंजन बेल्ट स्ट्राटा जनरेटर के साथ। 141 हॉर्स पावर है, 250 एनएम टॉर्क है और 15 का एवरेज मिलेगा 60 लीटर के फ्यूल टैंक से। विदाउट हाइब्रिड सिस्टम में भी सेम पेट्रोल इंजन आएगा बिना बेल्ट स्टार्टर जनरेटर के, उसका होगा 14 का एवरेज, बाकी पावर और टॉर्क सेम है। डीजल में 2000 सीसी इनलाइन फोर सिलेंडर टर्बोचार्ज फिएट जेटीडी मल्टी जेट इंजन आएगा, उसकी होगी 168 हॉर्स पावर, 359 एनएम टॉर्क और वो देगा 17 का एवरेज। ये हाइब्रिड पेट्रोल इंजन आप देख रहे हैं। डेवू का एसटेक 3 इंजन है ये, जिसको एलजेओ इंजन कहा जाता है। तो ये था 1500 सीसी पेट्रोल इंजन। आइए फ्रंट पैसेंजर साइड डोर खोलकर देखते हैं। तो इस साइड भी आपको फ्रंट पैसेंजर सीट का वेंटिलेशन बटन है और यूएसबी पोर्ट है। कंफर्टेबल सीट्स हैं। तो कैसी लगी आपको मॉरिस गैरेजेस की हेक्टर, हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।